आइए बनाते हैं गाजर का हलवा। एक हैवी बॉटम पैन में एक चम्मच घी ले लेना है। यहाँ हमने ले लिया है 1 किलो लाल वाली गाजर, इसे अच्छे से खींच लिया है। ये सारी गाजर हम ऐड कर देंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। दो से तीन मिनट भूनने के बाद ये हल्का सा ऑरेंज कलर का हो जाएगा। यहाँ हम लेंगे 3/4 कप मिल्क, ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है। इसी कप से हमने गाजर भी मेजर की है और चीनी भी मेजर की है। इसे अच्छे से मिक्स करके दूध में हमें थोड़ी देर गाजर को पकाना है। करीबन 5 मिनट हम दूध में गाजर को लो टू मीडियम हीट पे पकाएंगे। जिस बोल से हमने फुल फैट मिल्क लिया हुआ था उसी बोल से मैंने गाजर को मेजर किया हुआ था, तो खिसी हुई गाजर उस बोल के हिसाब से 2.5 कप थी। तो 2.5 कप गाजर खिसी हुई, उसमें 3/4 कप हमने फुल फैट मिल्क ऐड किया था। अब हम इसमें उसी मेजरमेंट के हिसाब से चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप, उसी जो मैंने बोल दिखाया हुआ था उससे 3/4 कप मेजर करके मैंने चीनी ऐड की है। कई बार गाजर अपने आप में ही ज़्यादा मीठी होती है या कम मीठी होती है, तो आप शुरुआत में 1/2 कप या उससे थोड़ी कम शक्कर डालें, फिर आप चेक करके आपके प्रेफरेंस के हिसाब से शुगर इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा शक्कर डालने से शक्कर का पाक बहुत हो जाएगा और गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा रनी टेक्सचर हो जाएगा। गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान है और सबको ही जनरली पसंद आता है। गाजर को इसमें हम लो टू मीडियम हीट पे पकाएंगे। जैसे जैसे गाजर पकती जाएगी, शुगर अच्छे से मेल्ट होते जाएगा इसमें, वैसे वैसे गाजर हलवे का कलर और इंटेंस होते जाएगा। इस स्टेज पे हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर के ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें होल ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं थोड़ा सा घी में फ्राई करके। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच कार्डमम पाउडर डालेंगे, यानी इलायची का पाउडर। इसे अच्छे से मिला लेंगे। गाजर हलवा यहाँ बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फुल फैट मिल्क और मिल्क पाउडर से इसमें बहुत ही रिच टेस्ट आएगा। गाजर का हलवा बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।